हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होती क्या है या फिर उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके बेसिक डेफिनेशन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट भी मुझे देते रहिए। तो देखते हैं कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होती है क्या है। एक्चुअल में अगर हमें कुछ रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाना होता है, और अगर उस प्रोसेसेस में हम रॉ मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, और प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए हमें बहुत से टूल्स यूज़ में लाते हैं, उस जैसे डाइज हो गया, पंचेस हो गया, रोलर्स हो गया, ये सब टूल्स का यूज़ करके फॉलो करते हैं, उसको ही मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कहते हैं। तो बेसिकली हम इतना ही कह सकते हैं कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में रॉ मटेरियल को हम प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, जिसके ना उसका डायमेंशन टोटली चेंज हो जाता है। और ये ज़्यादातर बहुत सी प्रोसेसेस होती है, जैसा रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, एक्सट्रूजन्स हो गया, वायर एंड बार ड्राइविंग हो गया, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होती है। ये पूरे प्रोसेसेस का एक सेट्स हम मेटल फॉर्मिंग को कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल फॉर्मिंग एक सेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में प्लास्टिकली डिफॉर्म करके ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये तो उसका एक ओवरऑल लुकआउट हो गया कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन में है कि लार्ज सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन विच द मेटल इज डिफॉर्म्स प्लास्टिकली टू टेक द शेप ऑफ द डायजोमेट्री। जैसे कि मैंने कहा कि हमें मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है, और डायजोमेट्री के अंदर जो शेप है वो शेप हम मटेरियल को देते हैं। द टूल यूज फॉर सच डिफॉर्मेशंस आर कॉल्ड डाई, पंचेस एंड एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जैसे डाइज हो गया, पंचेस हो गया, रोलर्स हो गया, और प्रेस हो गया, ऐसे बहुत से टूल्स हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस है जिसको हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को क्लासिफाई किस तरह के किए गए हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है बल्क डिफॉर्मेशन के थ्रू। बल्क डिफॉर्मेशन में रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड वायर एंड बार ड्राइंग। और सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है शीट मेटल वर्किंग के थ्रू, जिसके अंदर बेंडिंग ऑपरेशन, शेयरिंग प्रोसेसेस, डीप एंड कप ड्राइंग होता है। बल्क डिफॉर्मेशन के अंदर जो हम जो मटेरियल का वॉल्यूम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग जो प्रोसेसेस है वो रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर एंड बार ड्राइविंग, मतलब बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस है, जिसके अंदर हमारा मटेरियल ज़्यादा प्रोसेस में आता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है मटेरियल का, इसलिए उसे बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस कहते हैं। शीट मेटल वर्किंग के अंदर ज़्यादातर हम शीट, जो मेटल की शीट्स रहती है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब शीट वर्किंग के अंदर शीट्स होंगी, उसके ऊपर ही शीट बेंडिंग ऑपरेशन होगा, शीट का शेयरिंग ऑपरेशन होगा, शीट की कप एंड डीप ड्राइंग होंगी। तो अभी तक तो हमने ये देखा है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को क्लासिफाई किया गया है बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस में और शीट मेटल वर्किंग में। अब बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस को भी सब डिविडेशन मिला है, वो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले डिवाइड किया गया है रोलिंग के अंदर। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में दो रोलर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, उसमें वर्क होता है जो लेफ्ट हैंड साइड से एंटर करेगा, राइट हैंड साइड से एग्जिट करेगा। इसमें वर्क की थिकनेस कॉम्प्रेस होती है रोलर के कॉम्प्रेशन प्रेशर के वजह से, मतलब ये जो रोल्स रोटेट होते हैं ये एक्चुअली वर्क को अंदर खींचते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं और बाहर पुट आउट करते हैं, जो वजह से उसका एक्चुअल साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये बेसिक ऑपरेशन है रोलिंग का। सेकंड देखते हैं कि फोर्जिंग क्या होता है। फॉर्जिंग के अंदर वर्क पीस दो डाइस के बीच में कॉम्प्रेस होता है, ये जो है ये फिक्स डाई है और ये जो है ये मूवेबल डाइज है। फिक्स डाई के ऊपर हम मेटल रखते हैं और ये जो मूवेबल डाई है इसको ऊपर से प्रेशर लगाकर कॉम्प्रेस करते हैं, जो वजह से ये जो वर्क है ये वर्क एक्चुअल कॉम्प्रेस होके उसका डायमेंशन चेंज होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है फॉर्जिंग के अंदर, जिसके अंदर मेटल वर्क, मेटल जो अपना मटेरियल है जो कॉम्प्रेस होता है दो डाइज के बीच में, जिसमें से एक स्टेशनरी डाइज होता है और एक मूवेबल डाइज होता है। थर्ड प्रोसेस है हमारी एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है कि मेटल एक स्मॉल होल के थ्रू पुशअप किया जाता है,
ये मेटल है आपका जिसको हमें प्रोसेस करना है, और यहाँ से हम पुशिंग फोर्स लगाएंगे। ये हमारा रैम है जो पुश करता है मेटल को, और यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है। वो स्मॉल ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होगी, ये स्मॉल ओपनिंग के थ्रू आपका वर्क मटेरियल बाहर निकलेगा और वो फाइनल शेप के अंदर प्रोसेस को करिए एक्सट्रूजन प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस है हमारी वायर और रॉड ड्राइंग। तो हमने लास्ट प्रोसेस में देखा था कि ये जो रैम है ये उसको पुश कर रहा है, और वायर ड्राइंग में क्या होता है कि हम पुश नहीं करते हैं, ये जो बाहर का जो मतलब जो एंड है उसको हम खींच के निकालते हैं किसी, इसको क्लैम किया जाता है यहाँ पर। यहाँ से हम इसे क्लैम करेंगे और इसको एक फोर्स से खींचे जाएगा बाहर की ओर। मतलब वायर ड्राइंग में क्या होता है कि वर्क को बाहर से राइट हैंड साइड से पकड़ के खींचे जाता है, जो वजह से वो वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक्सट्रूजन के अंदर हम पुशिंग फोर्स अप्लाई करते थे, यहाँ से ऐसा पुशिंग फोर्स अप्लाई करते थे, और वायर ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग के बीच में। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम शीट मेटल फॉर्मिंग का। शीट मेटल्स के अंदर क्या होता है कि हमारा मेटल जो होता है वो शीट के फॉर्म में होता है बेसिकली। मतलब शीट मेटल के अंदर हम शीट के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने एक सिंपल तरीके से डिवाइड किया है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को। तो एक और लुक कर लेते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जिसके अंदर बहुत से प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा उसके अंदर ही, उसी हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कह सकते हैं। जो दो पार्ट में डिवाइड है, शीट मेटल वर्किंग में, बल्क डिफॉर्मेशन में, और जो हमने दोनों भी बेसिकली डिफाइन कर दी है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि रोलिंग एक्चुअली होता क्या है, या फिर फॉर्जिंग। हम सभी पार्ट को एक एक पर एक एक वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।